उत्तराखंड की देहरादून पुलिस ने थाना प्रेमनगर क्षेत्र इलाके से एक अंतर्राज्यीय नशा तस्कर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 5 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पकड़े हुए गिरोह से 280 ग्राम स्मैक ब्राउन शुगर, 1,20,000 रुपए नगद सहित एक देसी पिस्टल और एक तस्करी में प्रयुक्त होने वाली एक कार बरामद की गई है। वहीं आपको बता दें कि गिरोह यूपी के बरेली से मुख्य देहरादून सहित राज्य के अन्य जिलों में स्थित शिक्षण संस्थानों में पढ़ने आए युवकों को फेसबुक सोशल मीडिया के जरिए संपर्क कर मोटी रकम में नशा सप्लाई किया करता था। पुलिस के अनुसार गिरोह का मुख्य आरोपी शेरदिल खान बरेली का रहने वाला है। ये लोग वहां से नशे की खेप को सस्ते दामों में लाकर देहरादून में रहने वाले 3 अन्य लोगों को अपना एजेंट बनाकर शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले युवकों को सप्लाई देने का काम किया करते थे। पुलिस के अनुसार अलग अलग एजेंट स्कूटी में जाकर शिक्षण संस्थानों के आसपास बनी चाय की दुकानों और रेस्टोरेंट में जाकर नशे के आदि ग्राहकों को माल डिलीवरी किया करते थे। क्राइम स्टोरी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, देहरादून। देखिए, ये लगभग पिछले दिनों में देहरादून पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक गैंग पकड़ा था जो कि ऑर्गेनाइज तरीके से ड्रग्स की सप्लाई करता था। उन्हीं से पूछताछ के दौरान कुछ अन्य नाम सामने आए थे जो कि इस रैकेट से लिंक्ड थे। उस पर काफ़ी टाइम से जो हमारा एंटी नार्कोटिक्स सेल है एएसपी सदर लोकेश्वर सिंह के अंतर्गत कार्य कर रहा है, वो हम लोग इस पर लगे हुए थे। एसओजी और थाने की टीम्स भी लगी हुई थी। इसी में सफलता प्राप्त करते हुए बरेली से जो एक मामू नाम का प्रचलित नाम है जिसमें शेरदिल खान इनके द्वारा जो है स्मैक सप्लाई की जाती थी, तो 2 लोग बरेली से प्लस 3 लोग जिनका यहाँ पे एक सिंडिकेट था जो कि यहाँ पे ऑर्गेनाइज तरीके से फ़ोन के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से रैकी करके बच्चों में, यूथ में ड्रग सप्लाई करता है, उसको जो है पकड़ा गया है। चेकिंग के दौरान झाजरा चौकी पे जो है वसंत विहार और प्रेमनगर और एसओजी की टीम के द्वारा संयुक्त रूप से चेकिंग चलाते हुए मुखबिर की सूचना पर इनको गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 280 ग्राम स्मैक और 1,20,000 रुपये नकद तथा एक तमंचा अवैध बरामद किया गया है। पूछताछ में जो है कुछ लोगों के नाम सामने आए हैं, साथ ही साथ कौन और लोग थे जो इनके नीचे कार्यरत थे और कहां से ये और किन लोगों के संपर्क में थे, वो डिटेल्स हमारे पास हैं। अब उसमें इन्वेस्टिगेशन के दौरान काम किया जाएगा और कोशिश यही रहेगी कि उनको भी जो ये ऐसे सौदागर हैं उनको जेल के पीछे भेजा जाए।